नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी जिले के पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री व पीसी शर्मा चीफ कमलनाथ पहुंच चुके हैं और वे यहां पर वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही सेक्टर प्रभारी और मंडलम की बैठक पत्रकार वार्ता भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस साल विधानसभा चुनाव होना है और वर्ष 2018 में हुए चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, मगर बागी विधायकों के कारण कांग्रेस से भाजपा ने सत्ता अपने हाथ में संभाल ली है। रमेश पटेल जी, राजेंद्र मंडोई जी, लक्ष्मण चौहान जी, माखन सिंह सोलंकी जी, मनेंद्र पटेल पिट्टू और नाक्षा पटेल जी, सभी दाएं बाएं आमने सामने आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में आकर मुझे बल और शक्ति दी। अब आप मेरे साथ मिलके नारा देंगे, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, संत सिंगाजी महाराज की। सबसे पहले मां नर्मदा संत सिंगाजी। बिहार प्रदेश के मुखिया हमारा बीच है। मैं जिला कांग्रेस की ओर से आपकी ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग ताली बजाइए। ये मंच खाली करते हमारे सुरक्षा कर्मी आपको फिर। कर्नाटक में कितने दिन हुए सरकार बदल, हिमाचल में कितना समय हुआ है? 4.5 महीने हुए हिमाचल। और ये आज झूठ बोलने में, गुमराह करने में सिविल कोर्ट लाने की तैयारी चल रही है सर। कहाँ, इस पे क्या कहेंगे? बड़वानी में नहीं, देश में चल रही है। देखिए ये सब चलती रहेगी बातें, अपना देश सर के हर, सुन लीजिए, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग केमिस्ट्री है, ये याद रखिए। आप मध्य प्रदेश की तुलना तमिलनाडु से नहीं कर सकते, आप तमिलनाडु की तुलना हरियाणा से नहीं कर सकते। हमें अपना देश समझना है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।